हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज ऐसा रेस है जिसका कोई मतलब नहीं है, बट हम आपके लिए लेके आते हैं। जैसा कि आपको पता है, कोई भी बाइक मिलती है हम आपको परफॉर्मेंस ज़रूर दिखाते हैं। हमारे साथ में आज थी जावा बॉबर 42 एकदम न्यू, और यहाँ पे साथ ही साथ हमारे पास है KTM की RC 200, वो भी न्यू मॉडल है, 2022 मॉडल जो नया एकदम आया था। अभी आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो, ये है KTM RC 200 और ये है जावा बॉबर 42 334 सीसी की है। तो ये 200 सीसी की है, ये 334 सीसी की है। हमने इन दोनों का सीसी का कंपैरिजन ऐसे बनाया है क्योंकि ये स्पोर्ट्स बाइक है, ये है क्रूजर बॉबर, तो यहाँ पे इसको डिसएडवांटेज मिलेगा, बट सीसी ज़्यादा है, टॉर्क ज़्यादा है, तो हम देखेंगे कि कुछ मतलब इसको फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ देख सकते हो आप KTM RC और ये है बॉबर, दोनों बढ़िया है, दोनों का जो लुक है एकदम अलग है। हमारे साथ में शारिफ भाई, हमारा जो वेट है वो आप लोग को पता ही है, 93 kg है, शारिफ भाई का 67 kg है। तो इन दोनों का हम लोग करते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट और आपको दिखाते हैं। जो डिटेल्स हैं वो आपके स्क्रीन पे लिख के आ रही है, आप लोग कंपेयर खुद कर सकते हो। बाकी हमारा हेलमेट ये रहा, बहुत लोग पूछ रहे थे मेरे से ये भाई कौन सा हेलमेट है। भाई ये एग्जॉर का हेलमेट है और ये बंद हो चुका है, तो चलते हैं सीधे ड्रैग की तरफ और दिखाते हैं आपको परफॉर्मेंस टेस्ट। तो चलिए गाइस, चलाने जा रहा हूँ मैं बॉबर 42, शारिफ भाई चला रहे हैं RC। भाई ऑब्वियसली बात है वो जीतेगी, बट हम देखें यार कुछ रिज़ल्ट हो पाते हैं कि नहीं, कुछ अलग रिज़ल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा कि नहीं। तो अभी पता कुछ भी नहीं है, तो हम कुछ जज नहीं कर सकते कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। बॉबर भाग तो रही है तगड़ी, बट RC 200 तो तगड़ी भागती है भाई। परफॉर्मेंस दे रखी है एज एन क्रूजर को देखते हुए, थोड़ा सा आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, तो इसमें कोई इशू की बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से भाई यार बढ़िया गाड़ी बनाई है बॉबर, पैराग से ज़्यादा बढ़िया लग रही है मुझे। आपने पैराग और इसका वीडियो देख लिया होगा, तो पैराग के मुकाबले मुझे ये ज़्यादा बढ़िया लग रही है। तो अभी आप लोग ने देख लिया कि बॉबर बहुत पीछे रह गई है, बट कोई दिक्कत नहीं है, अब हम चलाते हैं इसको और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट होते हैं। मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा है, तो कुछ डिसएडवांटेज मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो अभी हम लोग आपको दिखाएंगे। चलिए राइडर चेंज करते हैं। बाकी यार बहुत बढ़िया बनाई है, पैराग से बहुत ज़्यादा रिफाइंड है,
पैराग से कुछ चीज़ें बहुत चेंज किए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ पे स्पीडोमीटर, इसके जो एग्जॉस्ट हैं वो, इवन इसका जो पॉस्चर है वो भी डिफरेंट है पैराग से। तो चलिए अब हम चला रहे हैं KTM RC 200 न्यू मॉडल। एडवांटेज मिल गया। ओ भाई खतरनाक पिकअप है यार इसका, क्या जबर एडवांटेज मिला है उसको। और मैंने भी थोड़ा सा एडवांटेज के बोलने के चक्कर में गियर को शिफ्ट ज़्यादा कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम निकल जाएंगे। पहले हम देखेंगे पांचवें गियर तक कितनी जाती है। देखते हैं अभी शारिफ भाई बोलते क्या बोलेंगे। अरे मैंने बहुत देर तक पीछे कर दिया, देखते हैं देखते हैं क्या बोलेंगे। कुछ नहीं, ये मुझे लगा ये वीली पड़ जाती है अभी इतनी तेज। इसको मैंने पांचवे गियर तक लगा के रखा था और पांचवे गियर तक चेक कर रहा था मैं निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा। थोड़ी देर तक ये भागी पांचवे गियर में 125 125, मैंने सोचा निकलेगी कि नहीं निकलेगी, वो पांचवे गियर पे नहीं निकल पाएगी। छठा गियर जब लगाया मैंने उसके बाद निकली है। तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि अगर पांचवे गियर तक मैं रखता हूँ तो क्या होता है। पांचवे गियर में इसमें आ रहा था लिमिटर और जो छठा गियर जैसे ही लगा उसके बाद इसने स्पीड पकड़ ली। हालांकि 142 के पास इसका जो आ रहा था लिमिटर, एंड अगर मैं वहाँ पे GPS एरर स्पीडो एरर बोल रहा था वो था लिमिटर आ रहा था इसका। एंड इस ये जो है ना ये भी 140 अराउंड जाती है, बट यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे है स्पीडो एरर और इसमें जो है स्पीडो एरर की जो संख्या है बहुत कम है। तो आप लोग ये वीडियो कैसी लगी, होप करता हूँ अच्छी लगी हो। भाई बहुत ज़बरदस्त बाइक हैं दोनों अपने सेगमेंट में। भाई 200cc की बात करूँ तो बहुत ही बेहतरीन बाइक बनाई है, बहुत ही स्टेबल है। एंड अगर मैं बात करूँ एक क्रूज़र बॉबर की, तो ऐसी बाइक अभी इंडस्ट्री में, मतलब अभी इंडस्ट्री की बात करूँ इंडिया की, ठीक है, इंडिया में इस सेगमेंट में आपको बॉबर नहीं मिलेगी। हालांकि क्लासिक में आप पीछे की सीट लगा दो तो इस तरीके की हो जाती है, बट इसका जो लुक है ना एकदम अलग ही है। मॉड आप कर सकते हो दूसरी सीट के लिए। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के राइड करिए, मस्त रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय।